कुछ सवाल लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव के सरकार में हम नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, नकल लेकर के मास्टर नकल कराते थे और ऊपर खिड़कियों से चल चल के ऊपर जाकर। मैडम, इन्होंने सदर विधानसभा से चंद प्रकाश, सदर विधानसभा ने इन्होंने चंद्र प्रकाश लोधी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया। जो आदमी 5 साल नगर पालिका नहीं चला पाया, वो 5 साल विधानसभा कैसे चला सकता है? मैडम, इन लोगों ने 1200 किलोमीटर गरीबों को पैदल चलवा दिया। भगवान इनके नहीं है, सबके हैं। देश को लूट लिया इन्होंने, ठग रही है, लुटेरे हैं ये। ये हिंदू मुस्लिम की बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करती। पुरानी पेंशन बहाल हो। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर फतेहपुर के लोगों के सवाल सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों की बड़ी शिकायतें आप लोगों से भी है। ये टोटी चोर क्या विकास कराएंगे जो भारतीय जनता पार्टी कराए? ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है कि साहब आपके समय में परीक्षाओं में धांधली होती थी, आप पर आरोप लग रहा है आप भ्रष्टाचार करते थे, और वहीं आपके लिए सवाल है कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटकर वोट पाना चाहते हैं। पहले आप जवाब दे दीजिए। इन्होंने मुसलमान देश के अल्पसंख्यक तबके में ऐसा भय दिखा करके उनको इतना पीछे कर दिया, जो कि विकास की मुख्य धारा से एकदम बाहर हो गए। माननीय मोदी जी उसी सबकी सबका साथ सबके विकास के आधार से सारे समाज को, जिसमें मुस्लिम समाज की है, उसको शिक्षा, उसको रूढ़ियों से बाहर करके उनका विकास कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ। आपका जो राज रहा 2012 से 2017 का, उससे लेकर बड़ी शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों को, भ्रष्टाचार, टोटी चोर, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ऐसा है, ये चुनाव होने जा रहा है पिछले 5 साल के कार्यकाल का, जो कुसान इन्होंने जो आपने कहा कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हो गया देश, इन्होंने परीक्षाएं नहीं करवाई, ये बड़ा आरोप है भाई। रोजगार को लेकर ये बड़ा आरोप है कि आप एक भी एग्जाम नहीं करा पाए, भर्तियों में इतनी धांधली की बार बार परीक्षा रद्द करानी पड़ी। पूर्व की सरकारों में जो परीक्षाएं हुई वो सब अनियमितता के कारण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत पेंडिंग हो गई। हम जो भी वैकेंसी निकालते हैं उसमें नियुक्ति तक उसको ले जाते हैं, लेकिन अभी तक तो नियुक्तियां हुई नहीं ना। नहीं, हुई है। देखिए, नौकरी केवल सरकारी नौकरी नहीं, हम जीवन स्तर उठाने के लिए कई तरीके से रोजगार के अवसर। ABP News आपको रखे आगे।